जनपद मथुरा में कोरोना वैक्सीन की 16,000 डोज स्वास्थ्य विभाग को सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग मथुरा द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गुरुवार को वैक्सीन की 16,000 डोज स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई। जनपद के 5 अस्पतालों को वैक्सीन लगाने के लिए चयनित किया गया है, जिनमें 16 तारीख से 100-100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद उन्हें सेकंड फेज में दूसरी डोज लगाई जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में मथुरा में जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है, उन सभी को चिन्हित कर लिया गया है। हमारे को कोविड वैक्सीन की कोविड शील्ड वैक्सीन जो है उसकी 16,000 डोज प्राप्त हो गई है, और ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और आर्मी और जो सेंट्रल के हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे जनपद में हैं उनके लिए आई है। और 16 तारीख को 5 जगहों पे 5 अस्पतालों को चयनित किया गया है, जहाँ की ये डोज लगेंगी, और हर अस्पताल पे 100 डोज को लगाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम लॉन्च का होगा वो प्रसारित किया जाएगा इन 5 साइट पे, जिसमें हमारा रामकिशन मिशन, जिला चिकित्सालय मथुरा, केडी मेडिकल कॉलेज, सीएससी गोवर्धन और सीएससी चौमूहा शामिल हैं। उसके बाद जो है 100-100 लोगों को यहाँ पे लगाते हुए, और आगे जैसे अग्रिम दिशा निर्देश मिलेंगे उसी हिसाब से हम इसको लगाएंगे। अभी जो ये डोज हमें प्राप्त हुई हैं, इसमें से अगर हम वेस्टेज फैक्टर जो कि 10% का माना जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा अनुमन्य है, अगर हम उसको निकाल दें तो ये करीब 7,434 लोगों का हमारा डोज आ गया है। और जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, क्योंकि इसी बैच को और इसी डोज को, सेकंड डोज को भी इसी को इस्तेमाल करेंगे। माना अभी हम जिन लोगों को लगाएंगे 7,434 को फर्स्ट राउंड में इस वैक्सीन से, तो जो सेकंड डोज 28 दिन बाद यानी कि 29वें दिन जो लगेगा वो भी इसी वैक्सीन का लगेगा। तो इसी की तैयारियाँ हैं, और परसों अब लॉन्च है। लॉन्च में फिर आप लोगों से मिलेंगे और वहाँ पे डॉक्टर साहब, माना जाए कि पहली जब लॉन्चिंग हो रही है तो फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सभी वैक्सीन अभी तक पूरे भारतवर्ष में ही फ्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और अभी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स तक ये है कि जो अभी तक की सूचनाएं हैं उसके हिसाब से ये निःशुल्क है।